हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता'स ड्रीम किचन #, स्वाद से दिल तक। आज बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी से इडली और कोकोनट चटनी। इडली के लिए सबसे पहले ले ली मैंने 250 ग्राम सूजी और 250 ग्राम ही लिया है फ्रेश कर्ड। घर का बना दही लिया है 250 ग्राम। ये सूजी डाल दी मैंने कंटेनर में और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ दही। आधे से थोड़ा सा ज्यादा दही डाल दिया इसमें, ये देखिए डाल रही हूँ मैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल दें नमक। दही, सूजी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें बाकी बचा हुआ दही भी डाल दें। बाकी बचा हुआ दही डालने के बाद 30 मिनट तक बस रेस्ट के लिए रख दूंगी इस बैटर को, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 30 मिनट के बाद ये देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। बस थोड़ा सा पानी और डालूंगी, करीब आधा कप, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें अब डाल दूंगी 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्चें। बहुत लोगों को इसमें गाजर और कैप्सिकम वगैरह भी पसंद है, आपको अगर पसंद है तो आप भी इस बैटर में मिक्स कर सकते हो। गाजर, कैप्सिकम, मटर भी डाल सकते हो। और अब कुकर में डालने वाली हूं मैं 2 ग्लास पानी और हाई फ्लेम में पानी को उबलने देना है। जब तक पानी उबलेगा मैं इडली मोल्ड में ऑयल लगा के बैटर डाल के इसे रेडी करती हूँ। बैटर को 3 हिस्से में डिवाइड करना है और हर हिस्से में आधा पाउच इनो का लगेगा। मीन्स अब 3 हिस्से में डिवाइड कर लो और जब स्टीम करनी हो तभी इसमें इनो डालो, साथ के साथ इनो डालो और स्टीम कर लो। अब पूरे बैटर में एक साथ इनो नहीं डालना, नहीं तो इडली अच्छे से फूलेगी नहीं। जैसे ही इनो डालो इसे मोल्ड में डाल के स्टीम कर लो। विसिल और सील हटा देना है कुकर का और इसमें स्टीम भरने दें स्टैंड, इडली का स्टैंड लगा के, और चेक करते रहें। अगर जब स्टीम भर जाए इसके बाद फ्लेम को मीडियम करके 10 से 15 मिनट इडली को स्टीम के लिए रखना है और उसके बाद एक छुरी से चेक करें। छुरी अगर क्लीन आती है तो इडली बिल्कुल रेडी है, अदरवाइज आप 2-3 मिनट और भी स्टीम कर सकते हो। छुरी बिल्कुल क्लीन है, इडली स्टीम हो चुकी है। मिनी इडली भी मैं स्टीम कर लूंगी सेम प्रोसेस से, बट इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, 8 से 9 मिनट में ही इडली, मिनी इडली स्टीम हो जाएंगी। 8 मिनट में ही ये मिनी इडली बिल्कुल रेडी हो गई बनके। बैटर में एक साथ इनो नहीं डालना, जब स्टीम करना हो तभी डालना, बिल्कुल याद रखें इसे। बड़ी छोटी दोनों इडली बनके रेडी है और अब हम तैयार करेंगे चटनी। चटनी के लिए ये ले लिया मैंने 200 ग्राम करीब ये कटा हुआ फ्रेश नारियल है, 1 चम्मच चटनी वाली चने की दाल है, कुछ टुकड़े अदरक के और 3 से 4 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। नारियल, चने की दाल, अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें और ये बाकी सामान जो है तड़के के लिए है, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और दाल और सरसों। हल्का सा पानी डाल के इससे पीसना है। नमक कम ही रखें चटनी में, ज़्यादा नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नमक डाल दिया मैंने और ये डाला 1 टीस्पून करीब टैमरिन पेस्ट। मदर्स का टैमरिन पेस्ट यूज़ किया मैंने, आप कोई भी टैमरिन पेस्ट इसमें डाल सकते हो। और इसे मिला लें और पैन में ले लिया मैंने 1 टीस्पून वाइट ऑयल। इसमें 1/2 टीस्पून डाली मैंने सरसों, 1/2 टीस्पून उड़द दाल और 1/2 टीस्पून ही डालने वाली हूँ चने की दाल। बस पिंक होने तक, गुलाबी होने तक दालों को भुने। और अब इसमें डाल दिया मैंने 2 साबुत लाल मिर्चें और थोड़ा सा कड़ी पत्ता
इसे डाल के ये चटनी के ऊपर डाल दिया और ये रेडी हो गया हमारा इडली और कोकोनट चटनी, बिल्कुल बनके रेडी है। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।